आ जाओ भाई, जय महाकाल, जय शिव शंभू, जय बजरंगबली। आ जाओ भाई मेरे पार्ले जी और ब्रिटेनिया। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, सभी पार्ले जी और ब्रिटेनिया को मेरी जय हिंद। तो आ जाओ भाई, जय महाकाल, जय शिव शंभू। फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फटाफट से जुड़ जाओ भाई, फिर स्टार्ट करते हैं अपना सिस्टम हैंग प्रोग्राम, ठीक है। साहिल कुमार बोल रहे हैं, राम राम सर, राम राम जी, राम राम सभी को, राम राम सारे ब्रिटेनिया और पार्ले जी को मेरी राम राम, जय हिंद, नमस्कार। जल नहीं पीऊँगा, बिल्कुल जल नहीं पीऊँगा, मार्कर नहीं चलेगा जब तक लाइव नहीं हो जाके, लाइव नहीं हो जाओगे। पूरे 200 लोंडे लाइव चाहिए मेरे को, पूरे 200 लोंडे। तो फटाफट से लाइक कर दो, मार्कर नहीं चलेगा, पानी नहीं पीऊँगा, दूध नहीं पीऊँगा, कुछ नहीं पीऊँगा, चाय भी नहीं पीऊँगा। सर गायब कहाँ हो जाते, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी भाई 3-4 दिन से, ठीक है। चलो भाई, हमारा तो मार्कर चलेगा भाई, हमारा मार्कर चलने को रेडी रहता है। दोस्तों अगर आप CISF, HCMAW, TPO, HC मिशल के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नमस्ते भाई, नमस्ते अर्जुन, सभी को राम राम भाई। चलिए स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन और फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर छप चुका है, चलो फटाफट से आंसर देना स्टार्ट करो भाई, मेरे प्यारे हवलदार और हवलदारनियों, दूरभाष ऑपरेटर और हवलदार लिपि की है, जो भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं आंसर देना स्टार्ट कीजिए फटाफट से, पार्ले जी और ब्रिटेनिया खाकर। चलो भी आंसर दो पार्ले जी। राम राम भाई, राम राम, बिल्कुल स्वीकार करेंगे आपकी राम राम। मैं भी नहीं पीऊँगा जब तक क्लास कंप्लीट नहीं हुई, बिल्कुल पानी कोई नहीं पिएगा, जल कोई ग्रहण नहीं करेगा, रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएगा। जो आपका सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। चलो भाई आंसर देना स्टार्ट करो। सराय नूर महल इज सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपका MTS 2022 के अंदर पूछा गया था, MTS 2022 के अंदर पूछा गया था। चलो भाई फटाफट से शेयर कर दिया करो भाई, बिना बोले ही काफ़ी मेहनत की जाती है, अच्छा कंटेंट आपके लिए कलेक्ट किया जाता है, तो फटाफट से लाइक कर दिया करो मेरे पार्ले जी और ब्रिटेनिया, गुड डे। किसका आंसर दे रहे, 1111 सराय नूर महल, सराय नूर महल आपका जालंधर के पास है पंजाब के अंदर, ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा यहाँ पर, पंजाब। सराय नूर महल जो रहेगा आपका पंजाब के अंदर, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। TPO वीर हैं भाई, सारे TPO वीर हैं ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका MTS ने 2022 के अंदर पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सराय नूर महल, और इसकी स्थापना आपकी 1618 के अंदर हुई थी, और किसने करवाई थी, नूर जहां ने। नूर जहां किसकी वाइफ थी ये बताओ, सराय नूर महल की स्थापना आपकी नूर जहां ने करवाई थी, तो आप नाम से ही देख सकते हैं नूर महल, तो नूर जहां ने इसकी स्थापना करवाई थी 1618 के अंदर, और नूर जहां किसकी पत्नी थी ये बताओ फटाफट, बताओ भाई ब्रिटेनिया पार्ले जी। ऑप्शन थर्ड राइट होगा, पंजाब के अंदर रहेगा ये, नूर जहां किसकी पत्नी थी। वीडियो वाड़ी लाइक कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो यार, ऐसा मत किया करो। तो नूर जहां आपकी वाइफ थी जहांगीर की, जिसको मेहरुनिसा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, याद रखना है। ये भी नहीं पता है हुमायूं शेरशाह,
जहांगीर की पत्नी थी। अरे वाह शेर वाह, मान गए। जहांगीर की पत्नी थी, चलो भाई नेक्स्ट बताओ फटाफट। ये तो आसान क्वेश्चन है। रवि कीर्ति वाज कोर्ट पॉइंट ऑफ विच चालुक्य रूलर, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। ये तो आसान क्वेश्चन है, चलो बताओ फटाफट से। गुड, बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। पुलकेशिन द्वितीय की, पुलकेशिन द्वितीय के ये आपके दरबारी कवि थे। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय ये आपका एक चालुक्य शासक था, ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर भाई। चलो नेक्स्ट बताओ, ये क्वेश्चन देखते हैं कौन बताता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड बताओ, पता ना कहाँ गए आज तो सारे। आज मेरे हिसाब से सुबह ये थक चुके हैं, सुबह भी हमने क्लास ली थी 9 बजे, आज कोई एक्टिव नहीं हो रहा है। तो फटाफट से आंसर दो, बाद में देख लेंगे जो एक्टिव रहेगा, जो अब नहीं आ रहे हो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। AWTPO का फॉर्म कब फिल होगा सर, 2019 वाले बच्चों का, प्लीज़ एक मिनट बता दो भाई। अभी कोई अपडेट नहीं है इसके रिगार्डिंग। चलो भाई आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 हो जाएगा आपका, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और उसे दंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। देखना भाई मेरे पार्ले जी और ब्रिटेनिया, थोड़ी बहुत IPC भी पढ़ लेना। कॉन्स्टेबल के एग्ज़ाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन आपके IPC से देखने को मिले थे, तो नॉर्मल सी अपनी IPC देख लेना, 307, 420, ठीक है। तो नॉर्मल सी जो IPC हैं जो न्यूज़ के अंदर रहती हैं, तो वो आपकी देख लेना, क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टेबल के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए थे 2-3, तो IPC देख लेना भाई, ठीक है। वीडियो भी मिल जाएगा, हमने हरियाणा पुलिस के लिए IPC करवाई थी, हरियाणा पुलिस के लिए IPC करवाई थी, तो उस वीडियो को देख लेना भाई जाकर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2x की स्पीड पर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो नेक्स्ट बताओ, पंडित किशन महाराज वाज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। गुरुजी मुखर्जी नगर आओगे क्या, क्या करना है भाई मुखर्जी नगर के अंदर, क्या कुछ प्रोग्राम है क्या। लोंडों को जोड़ो भाई फटाफट से, 2000 लोंडे लाइव चाहिए, नहीं तो मारकर नहीं चलेगा, जल नहीं पीऊँगा। मेरे पार्ले जी जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये गलत आंसर दे रहे हैं, विकास का सही जवाब रहेगा तबला। पंडित किशन महाराज आपके तबला वादक थे, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, पंडित किशन महाराज आपके तबला वादक थे। चलो नेक्स्ट बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारम्भ किया है। चलो ये बताओ, फटाफट से आंसर दिया करो, इतना टाइम मेरे पास भी ना रहता है। चलो भाई आंसर देने स्टार्ट करो। तो जो आपका आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था, वाराणसी से। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। ये आपका MTS के अंदर पूछा गया था 2022 के अंदर। अब ये मुझे मत बोलना कि सर आप क्वेश्चन कहाँ से लेकर आते हो, ये MTS के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, TCS ने कंडक्ट करवाया था, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था आपका आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कहाँ से, वाराणसी से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट बताओ,
राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी मिला पुरस्कार मिला था? चलो आंसर दो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का। सिस्टम पढ़ दिया गुरुजी, सिस्टम हैंग कर देंगे भाई। चलो आंसर दो फटाफट, सारे क्वेश्चन एमटीएस 2022 के हैं। अब ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते नहीं हो फिर आंसर आपको पता नहीं लगता है। राधा श्रीधर रिसीव्ड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2018 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरतनाट्यम ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। सही तो दे नहीं रहे हो आंसर, भरतनाट्यम इज द राइट आंसर। राधा श्रीधर आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित थे। ये बताओ मेरे को संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ पर है भाई आपकी, संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है आपकी, संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ पर है आपकी ये बताओ। दिल्ली के अंदर, संगीत नाटक अकादमी आपकी दिल्ली के अंदर है भाई, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 1953 के अंदर, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ जाता है। और राधा श्रीधर भरतनाट्यम से संबंधित थे, याद रख लेना भाई, एमटीएस के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया था। चलो भाई नेक्स्ट बताओ, जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2022। विकास का सही रहेगा, अर्जुन श्रीधर जुगड़ी नहीं, श्रीधर जुगड़ी कहाँ पे है भाई, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है ऐसा तो कोई। सेवंथ का डी राइट होगा भाई, वी अनंत नागेश्वरन को आपका CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र नियुक्त किया गया था 2022 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट बताओ, ये तो आसान क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला दे रखा है अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, दूसरा है आपका चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ भाई, जोड़ो लोंडों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोंडों को जोड़ो यार। आंसर दो, आंसर आने स्टार्ट हो गए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों, ठीक है। अशोक के जो आपके अधिकांश शिला लेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। सेकंड पॉइंट आपका चाणक्य के कई विचार आपके अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों। चलो नेक्स्ट बताओ, योसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? योसांग उत्सव बताओ भाई, योसांग उत्सव क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। बिल्कुल सही जवाब रहेगा मणिपुर, मणिपुर इज द राइट आंसर भाई, मणिपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। योसांग आपका मणिपुर का त्योहार रहेगा, मणिपुर नाम से ही लग रहा है। चलो भाई नेक्स्ट बताओ, ये बताओ हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम का हिस्सा होते हैं? इजी क्वेश्चन है, चलो बताओ हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम का हिस्सा होते हैं? 12, 11 सही रहेगा इसका,
ऑप्शन फोर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फोर आपका राइट हो जाएगा 11। चलो एक बार रिवीजन ले लेते हैं, एक बार रिवीजन ले लेते हैं, हर एक टीम के अंदर कितने कितने आपके प्लेयर्स होते हैं। बेसबॉल के अंदर देखो भाई, बेसबॉल के अंदर आपके कितने रहेंगे, बेसबॉल के अंदर आपके 9 होते हैं, बेसबॉल के अंदर आपके 9 होते हैं, रग्बी के अंदर आपके 15 होते हैं, पोलो के अंदर आपके 4 होते हैं, वाटर पोलो के अंदर 7 होते हैं, ये कन्फ्यूजन थोड़ा क्रिएट करता है। पोलो के अंदर आपके 4 होते हैं, वाटर पोलो के अंदर आपके 7 होते हैं, तो इनको याद रखा करो, ठीक है। खो खो के अंदर आपके कितने होते हैं, 9 होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इसके अंदर 11-11 होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों के अंदर 11-11 प्लेयर होते हैं ईच साइड के अंदर। नेटबॉल के अंदर 7 होते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल के अंदर 6 होते हैं। बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस के अंदर, सिंगल्स और डबल्स के अंदर 1 और 2, ठीक है। बास्केटबॉल के अंदर 5 होते हैं। जिमनास्टिक आपको याद नहीं करना। बिलियर्ड, स्नूकर्स के अंदर 1 होता है। बॉक्सिंग और चेस के अंदर 1-1 होते हैं। ब्रिज के अंदर भी याद रख लो, थोड़ा सा मोडेड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ब्रिज के अंदर 2, ये भी नहीं पूछा जाता, इसको छोड़ो और ये इनको छोड़ो, बस ये याद कर लेने हैं आपको कम से कम। बेसबॉल, रग्बी, पोलो, वाटर पोलो, खो खो, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, नेटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स के अंदर 1, बॉक्सिंग और चेस के अंदर 1, ब्रिज के अंदर आपका 2, तो ये याद होनी चाहिए आपको। सर आपकी AWTPO मॉक टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना चाहिए, प्लीज़ टेल मी इमीजिएटली। प्लीज़ क्या करें भाई, रैंकर्स आईक्यू को एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, परचेज कर लो, और क्या करोगे बताओ। डेविड वार्नर IPL 2022 में किस टीम के लिए खेले थे, चलो बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, डेविड वार्नर IPL 2022 में किस टीम के लिए खेले थे। सर मॉक टेस्ट में स्पीड कैसे बढ़ाई, भाई प्रैक्टिस ही स्पीड बढ़ाएगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं है। मैथ के अंदर स्पीड नहीं बन पा रही है, रीजनिंग के अंदर सोचने की जो पावर है वो जल्दी नहीं बन पा रही है, डेवलप नहीं हो पा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही करेगी जो आपका मॉक टेस्ट के अंदर स्पीड बढ़ेगी, ऐसे कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। वेरी गुड, दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऑप्शन 3 आपका राइट होगा, ठीक है। डेविड वार्नर जो थे IPL 2022 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेले थे। अच्छा, IPL 2022 किसने जीती है ये बताओ फटाफट। IPL 2022 किस टीम ने जीती थी, फटाफट से आंसर दो इसका। IPL 2022 किसने जीती थी, गुजरात टाइटंस ने जीती थी IPL 2022। चलो भाई, अच्छा एक क्वेश्चन और याद कर लेना भाई, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022-23 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किस भारतीय उत्पाद के साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो वह रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रट्टा मार लेना इसको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको रट्टा मार लेना। चलो नेक्स्ट बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किसका लिंग अनुपात दूसरा सबसे अधिक है। ये मुंबई वाला कौन है भाई मुंबई वाला, चलो इसका आंसर दो क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट से। तमिलनाडु, पुडुचेरी ठीक रहेगा भाई, पुडुचेरी इज द राइट आंसर। अरे केरला का तो पहले स्थान पर है, ISX रेशियो जो सबसे अधिक आपका लिंग अनुपात है वो है केरला का, दूसरे नंबर पर आता है आपका पुडुचेरी, तो ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पर है, लोएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट के अंदर है। हरियाणा, केरला के अंदर याद रख लेना भाई, पूछा जा सकता है डाटा, केरला के अंदर हाईएस्ट आपका सेक्स रेशियो है और ये आपका 1084, ठीक है। केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसका लिंग अनुपात 1084 था आपका, इसको याद रख लेना।
चलो नेक्स्ट बताओ। अरे इसका तो कई बार क्या होता, स्लाइड आगे हो जाती है। छोरा मैं हरियाणा का, वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रोड टू मसूरी। रोड टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है, चलो बताओ फटाफट। उड्या उड्या रे कबूतर मेरे, बता भाई बता बताओ। रोड टू मसूरी के ऑथर कौन रहेंगे आपके? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करते नहीं हो। ढोंगे पे बैठे हैं। चल भाई कोई नहीं बता रहा, किसी को नहीं पता। रस्किन बॉन्ड, रोड टू मसूरी जो बुक है आपकी, ये है आपकी रस्किन बॉन्ड की। आर से बन गया रोड और आर से बन गया आपका रस्किन, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो रोड टू मसूरी आपकी रस्किन बॉन्ड की है। चलो नेक्स्ट बताओ। निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, चलो बताओ। बता है किसी को? किसी को पता है कि बाबू? बताओ भाई पार्ले जी फटाफट से। बी इज द राइट आंसर, किंग्स मेड स्टेडियम। ठीक है, युवराज सिंह ने T20 के अंदर किंग्स मेड स्टेडियम के अंदर 6 छक्के लगाए थे, और किस बॉलर को लगाए थे उसका नाम बताओ भाई। ये लौंडे तो सभी आंसर दे देंगे, बताओ भाई। किंग्स मेड स्टेडियम में जहां पर युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, किस बॉलर को लगाए थे? किंग्स मेड स्टेडियम आपका है डरबन साउथ अफ्रीका के अंदर। किंग्स मेड स्टेडियम डरबन साउथ अफ्रीका के अंदर है, इसे याद रख लेना भाई। और ये लगाए थे आपके स्टुअर्ट ब्रॉड को, 6 छक्के लगाए थे। युवराज सिंह को किसने लगाए थे बता दिए, चलो थोड़ी देर में। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। ये भाई था 2007 वाला T20। चलो आंसर दो। बीबीएन, कितना शॉर्ट लिख रहे हो यार तुम। बीबीएन क्या है? बीबीएन बीबी, अच्छा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार। ठीक है, तो ये आपका जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, संसदीय सरकार। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है ये बताओ, फटाफट से आंसर दो। फंडामेंटल ड्यूटीज़, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी USSR के संविधान से लिया गए हैं। रशिया बिल्कुल सही रहेगा। न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार ये आपके लिए गए हैं USA से। आई एम राइट और नॉट, बताओ भाई पांडे। फंडामेंटल ड्यूटीज़, USSR, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार, ये आपके USA से। चलो भाई नेक्स्ट बताओ। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? चलो नेक्स्ट बताओ, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 16, जिसने MTS के क्वेश्चन कर रखे हैं 2022 के, वो कर देगा सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कल से क्विज करने आओ, अब फिलहाल हम MTS 2022 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक बार रिवाइज करके आएगा ताकि अच्छे से अपना रिवीजन हो जाए। किसी का भी सही जवाब नहीं रहेगा। कमला नारायण जो आपकी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित रहेंगी, ऑप्शन ए राइट रहेगा इसका, भरतनाट्यम। चलो नेक्स्ट बताओ। फरवरी 2022 में किस भारतीय सरकार ने घोषणा की कि कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी, चलो बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। तो होप एक्सप्रेस आपकी महाराष्ट्र के अंदर, सेकंड आपका राइट हो जाएगा महाराष्ट्र। चलो नेक्स्ट बताओ, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी कौन करेगा? चलो बताओ, आईसीसी मैन टी20 वर्ल्ड कप 2024 का को होस्ट कौन सा है, कौन है? ना करते भाई, ना करते ये लाइक वाइक। दबा के लाइक शेयर ठोको, बिल्कुल सही रहेगा भाई, को होस्ट जो आपका सह मेजबानी देश रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और पहले वाला कौन है इसका वो बताओ, कौन कौन इसको होस्ट कर रहे हैं आईसीसी मैन टी20 वर्ल्ड कप 2024 को, कौन कौन से देश होस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, जो इनको 2G का कंटेंट पढ़ाते हैं ना भाई, इनको वही टीचर अच्छे लगते हैं, बस बात ये है, ठीक है। इनको वो पढ़ाओ, बिल्कुल आसान हलवा हलवा क्वेश्चन लेकर आओ, ये सारे फटाफट से आंसर देंगे, ठीक है, पागल बनते रहेंगे, सिलेक्शन होना जाना है नहीं, वो वहाँ पर मज़ा आता है, यहाँ पे नहीं आता। तो ये हो रहा है आपका, होस्ट करेंगे इसको वेस्ट इंडीज और USA दोनों, ठीक है, 2024 के अंदर जो आपके होस्ट करेंगे USA और वेस्ट इंडीज। चलो नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कादरी गोपीनाथ एसोसिएटेड, कादरी गोपीनाथ का संबंध किसके साथ था? क्वेश्चन नंबर 18 बताओ, कादरी गोपीनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? जय ड्राइवर सेना वाला पागल बना रहा है, कौन बना रहा है भाई हमें तो बताना। बिल्कुल सही जवाब, सैक्सोफोन, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। कादरी गोपीनाथ जो आपके थे सैक्सोफोन वादक थे, ठीक है, वो आपने देखी होगी तुर्रसी जिसको बजाते हैं, उसे ही बोलते हैं सैक्सोफोन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बताओ, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था, आवासीय डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर कितना कर लगाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, वही WTPO की टेस्ट सीरीज रैंकर्स IQ एप्लीकेशन पर से लो, ठीक है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बिल्कुल सही जवाब, 30%, 30% यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है, जो आपकी आभासी डिजिटल संपत्ति थी, वर्चुअल डिजिटल एसेट थे आपके, उन पर टैक्स आपका जो लगाने वाले हैं वो 30%। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलो भाई, 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस मंत्रालय से जुड़ा है? वो एप्लीकेशन पे शो हो जाएगा आपको, एप्लीकेशन भेजाओगे ना, फिजिक्स की गुरुजी अलग प्लेलिस्ट बना दो, बना, हाँ भाई ना बनाई है, सही बोल रहे हो, बनाएंगे बनाएंगे, कल वीडियो भी डालेंगे। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, कल हम चैप्टर करने वाले हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन चैप्टर डालेंगे कल, संचार व्यवस्था, जिसके अंदर हम कंप्लीट थ्योरी और MCQs रगड़ेंगे। चलो भाई, आपकी जो स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया आपका 2022 के अंदर, ये लॉन्च किया गया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, स्वनिधि स्कीम जो थी आपकी, ये कब लॉन्च की गई थी? स्वनिधि स्कीम काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जो आपकी स्ट्रीट वेंडर से संबंधित थी, स्वनिधि स्कीम आपकी कब लॉन्च की गई थी स्ट्रीट वेंडर से जो आपकी रिलेटेड थी? चलो बताओ फटाफट, स्वनिधि स्कीम। हैं 2017-18 नहीं, स्वनिधि स्कीम जो थी आपकी 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी,
स्वनिधि स्कीम, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है 2020। चलो नेक्स्ट बताओ, ये तो काफ़ी हलवा क्वेश्चन है, किस वर्ष शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को हराया था? किस वर्ष शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को हराया था? 1540 सही रहेगा ऑप्शन थर्ड। अब ये बताओ कन्नौज कहाँ पर है, कन्नौज कौन से स्टेट के अंदर है? कन्नौज कौन से स्टेट के अंदर? यूपी के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है कन्नौज? कन्नौज कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर कन्नौज इज सिचुएटेड? घाघरा नदी? नहीं यार, गंगा नदी। बिल्कुल सही जवाब गंगा नदी रहेगा, गंगा नदी रहेगा कन्नौज यार, यूपी के अंदर गंगा नदी के किनारे। नहीं, 1540 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूपी के अंदर कन्नौज रहेगा गंगा नदी के किनारे। चलो नेक्स्ट बताओ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की, इस कार्यक्रम को विकसित करने की विकसित इस कार्यक्रम को क्या विकसित करने की घोषणा की गई थी? तो पर्वतमाला जो आपकी कार्यक्रम है, योजना है, स्कीम है, इसके अंदर में क्या आता है ये आपको बताना है। चलो नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 22। सही जवाब आने स्टार्ट हो गए सर, 135 डे की तड़कती भड़कती स्ट्रेटजी वीडियो बना दीजिए। अच्छा भाई, ठीक है भाई, दूरभाष ऑपरेटर। तो यहाँ पर बनेगा आपका रोपवे इन हिल एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ये सीरीज आपको फॉलो करने से क्या बेनिफिट होने वाला है, एक तो आप लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, और साथ साथ में आपके करंट अफेयर्स भी हो रहे हैं, तो डबल डबल बेनिफिट हो रहे हैं यहाँ पर आपको, ठीक है, सारा आपको बना बनाया कंटेंट मिल रहा है, बस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसी सीरीज आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड करवा रहा। तो पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे, डबल डबल बेनिफिट आपको दे रहा हूँ मैं। ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन ही एमटीएस के अंदर, तो डबल डबल बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, फिर भी आप इन्जॉयमेंट नहीं ले रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, टाइम टू टाइम आ नहीं रहे हो, आधे आ रहे हैं आधे नहीं आते हैं, पता नहीं उनको क्या चाहिए भाई, तो क्या लेकर आए उनके लिए, हलवा हमसे प्रोवाइड करवाया जाता। तो ये जीता था भाई पीवी सिंधु ने, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट आपका जीता था 2022 का पीवी सिंधु, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना योजना शुरू की थी? सद्भावना प्रोजेक्ट आपका किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फरवरी 2022 के अंदर, बताओ। क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, असम, असम रहेगा सही, सद्भावना प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। चलो नेक्स्ट बताओ, ये फुल आपका टाइम वेस्ट करने के लिए इतनी स्टेटमेंट दी जाती है, और एसएससी आजकल ऐसे ही टाइम वेस्ट करती है, ठीक है, तो इसको पढ़ने में भी आपके 10 से 20 सेकंड लग जाते हैं। की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी? अब यहाँ से ही सीधा उत्तर कराना है आपको, तो बताओ, वीडियो देखो या नोट्स बनाओ, भाई नोट्स वोट्स नहीं बनाने इनके, अपना वीडियो देखो बस, प्रैक्टिस करो, इनके कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाने आपको। प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, नोट्स वोट्स बनाने का टाइम नहीं है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी ये बताओ फटाफट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने, आर्य समाज और ब्रह्म समाज, इन दोनों की ओर बता दो, फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। श्रवण सोदा बोल रहे हैं, झज्जर से हूँ सर मैं, झज्जर से हूँ तो आप नज़दीक से ही हैं, बिल्कुल ज़्यादा दूर से नहीं हैं।
आर्य समाज और इसकी ब्रह्म समाज की। गोपाल कृष्ण गोखले किसके हैं भाई? सत्यशोधक समाज की स्थापना आपकी ज्योतिबा फूले ने की थी। राजा राम और दयानंद, तो ब्रह्म समाज आपका राजा राम मोहन राय और आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती। कब की थी भाई आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने? कब की थी? फटाफट से रिवीजन हो रहा है, फटाफट से। एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन किए हैं हमने? अठारह सौ पिचहत्तर इज द राइट आंसर। आर्य समाज की स्थापना आपके 1875 में हुई थी मेरे भाई। अठारह सौ उनतीस ब्रह्म समाज की स्थापना। चलो भाई कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है मेरे भाई। चलो मेरे पार्ले जी बिस्कुट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल? निम्नलिखित में से कौन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है? गुड इवनिंग सर, मैं हिमाचल से हूँ और आपकी हर एक बात फॉलो करता हूँ। वेरी गुड, फॉलो कीजिए, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। इसका जो आपका आंसर बनेगा यूडीपी, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ऑप्शन सी। ये 400 एमसीक्यूज के अंदर करवा रखे हैं, फिर क्यों गलत कर रहे हो भाई? सुबह ये जो क्विज लिया था हमने 400 एमसीक्यूज में से लिया था, अब भी हमने जो कंप्यूटर का ऐड किए हैं कुछ क्वेश्चन वो 400 एमसीक्यूज में से ही किए हैं, फिर भी आप गलत कर रहे हो। यूडीपी आपका राइट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आपके दो प्रोटोकॉल होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से? टीसीपी और यूडीपी। ये मैं आपको करवा चुका हूँ। टीसीपी फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी, यूडीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है भाई, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। और डीएचसीपी, इसकी भी याद रखनी है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इनको। यूडीपी की फुल फॉर्म आपकी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, डीएचसीपी की है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ओके। चलो नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन एक लाइन प्रिंटर है? अब कौन गलत देगा देखते हैं जवाब। हरा हरा झंडा बना रहे हैं भाई ये, तबरेज आलम हरा हरा झंडा बना रहे हैं। तो लाइन प्रिंटर कौन सा भाई? करवाने के बावजूद भी गलत। लाइन प्रिंटर क्या करता है आपकी, एक ही टाइम पर एक लाइन टाइप करता है, ठीक है। तो कौन सा रहेगा आपका? चेन प्रिंटर आपके लाइन प्रिंटर्स होते हैं, इज ए टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर। करवाने के बावजूद भी 400 के अंदर, 400 एमसीक्यूज के अंदर करवाने के बावजूद भी आपका गलत है। ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हो आप, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ऐसा ही एग्ज़ाम के अंदर भी करके आओगे आप, जो करके जा रहे हो यहाँ से उसे भी गलत करके आ जाओगे। चेन प्रिंटर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो लाइन प्रिंटर्स, ठीक है। विच प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम, एक ही समय पर एक ही लाइन टाइप करते हैं, नाम ही से स्पष्ट है। चलो नेक्स्ट बताओ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। चार सौ एम सी क्यूज की पीडीएफ कहाँ मिलेगी भाई? पीडीएफ टेलीग्राम पर चेक करो, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। गलत बतानी भाई, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होती है विंडोज ओएस के अंदर बूटिंग प्रोसेस के बाद, उसे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या था यार इसके अंदर? जीयूआई को सपोर्ट करता है। जीयूआई की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसने बोल रखी है, इट कैन नॉट हैव टू और मोर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ओपन साइमल्टेनियसली। तो आप अपनी विंडो के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम को
खोल नहीं सकते हो क्या? ठीक है, तो ए ही सही रहेगा इसका, ये फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी, करवाने के बावजूद भी गलत कर रहे हो, ए आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। अरे यार, गूगल क्रोम में वर्तमान स्क्रीन टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? चलो आंसर दो भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29 भाई, जो भी पार्ले जी ब्रिटेनिया लाइव हैं, एक बार वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, ताकि आप जैसे भाइयों के पास जाए वीडियो। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दिख गया वो, तो भाई क्या करें, अब स्लाइड नेक्स्ट हो गई। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ठीक है, ये क्या करता है आपका करंटली जो आपका एक्टिव टैब है उसे क्लोज करने के अंदर, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। चलो नेक्स्ट बता दो। तो फिर एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ संरेखण क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 बता दो, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ संरेखण क्या है? किसी का आंसर नहीं आ रहा भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विकास ही आंसर दे रहा और कोई आंसर नहीं दे रहा। लेफ्ट सही रहेगा इसका, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट होता है एमएस वर्ड के अंदर वो लेफ्ट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। ऑप्शन बी राइट होगा भाई विकास, लेफ्ट अलाइनमेंट। चलो ये कौन बताता है देखते हैं। निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? चलो फटाफट आंसर दो इसका। डेली वाले हर एक क्विज के अंदर अब तो एक्सेल के फॉर्मूलाज भी ऐड कर दिए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 31 बताओ फटाफट से। निम्नलिखित एमएस एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? करवा रखे हैं भाई, इतना क्यों सोच विचार कर रहे हो? तुम्हें भोंक भोंक के छिक चुके यार बिल्कुल। हाँ ये भाई कुछ तगड़े जवाब दे रहे हैं, वाह भाई वाह। नहीं भाई विकास प्रेम, नहीं विकास का बिल्कुल सही रहेगा। -4 इज़ द राइट आंसर। कैसे किया विकास भाई? विकास इनको सॉल्यूशन बताएगा। नेटवर्क इश्यू हो गया था भाई, एक छोटा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। ठीक है, मैंने क्या के अंदर मैंने आपको बताया था, जब आपका ओड के अंदर ओड जो उसके अंदर वैल्यू होती है वही सेम, ठीक है, जब हमारी ओड के अंदर इवन क्या करते हैं नेक्स्ट, तो इससे नेक्स्ट वाली आपकी ओड वैल्यू कौन सी आएगी? -3 -4 आ गया समझ में। अरे आ गया क्या समझ में? समझ में आ गया क्या? -1 -3 दोनों को जोड़ देंगे -4। ठीक है भाई, नहीं आया समझ में विकास बोला, नहीं आया समझ में, मैं ही बोल रहा हूँ। फॉर्मूला वाले वीडियोज़ के अंदर भी करवाया था मैंने आपको, ये आपका ओड फंक्शन है, ठीक है, तो ओड फंक्शन के अंदर जो आपकी ओड वैल्यू होगी तो हम उसको राउंड नहीं करेंगे, ये आपका रिजल्ट आएगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर सेकेंड वाले के अंदर देखिए, अब हमें नेक्स्ट ओड वैल्यू लेकर आनी है, लेकिन उसके अंदर क्या है आपकी इवन वैल्यू है, ठीक है, तो इसे क्या करेंगे अवे फ्रॉम द जीरो लेकर जाएंगे और ओड वैल्यू लेकर आएंगे, तो इससे नेक्स्ट वाली ओड वैल्यू कौन सी है? -3। अब तो आ गया होगा समझ में, अब भी नहीं आया तो समझ में फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। आ गया समझ में, ना आया -1 और -3 करेंगे तो -4 इसका राइट आंसर बन जाएगा।
मेरी वॉइस माइनस वन माइनस थ्री दोनों को जोड़ देंगे, ओके ना है क्या? वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है। चलो भाई अब तो चल रहा हुआ सही। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 32 बताओ। मेरे पास ओके चल रहा है। स्प्रेडशीट और क्षैतिज और लंबवत रेखाएं कहलाती हैं आपकी। तीन क्वेश्चन और बच गए, फटाफट से आंसर देने स्टार्ट करो। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन स्प्रेडशीट आर कॉल्ड। नहीं इसका भाई गलत कर रहे जवाब। हॉरिजॉन्टल और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं ये सेल्स नहीं होती हैं भाई, गलत हो जाएगा ये तो। ग्रिड लाइंस होती हैं आपकी। ऑप्शन डी राइट होगा इसका। डी इज द राइट आंसर। ग्रिड लाइंस बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हॉरिजॉन्टल और आपकी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं स्प्रेडशीट के अंदर ग्रिड लाइंस रहती हैं। चलो नेक्स्ट बताओ फटाफट से, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है? चलो भाई आंसर देने स्टार्ट करो। प्रोलॉग। वेरी गुड। चलो भाई आंसर देने स्टार्ट करो। सही चल रहा है। प्रोलॉग आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज थी प्रोलॉग, या आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या कर की जाती थी, यूज में लाई जाती थी प्रोलॉग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन कौन सी भाषा है आपकी एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो आपकी यूज़ में लाई जाती थी? प्रोलॉग, पाइथन, लिस्प, जावा और सी प्लस प्लस। सारी याद रख लेना भाई, प्रोलॉग, पाइथन, लिस्प, जावा और सी प्लस प्लस। ठीक है भाई, एआई के अंदर यूज़ में लाई जाती हैं तो फ्यूथ जनरेशन की तो होंगी। चलो भाई नेक्स्ट बताओ। पाई चार्ट केवल प्रदर्शित कर सकता है, बताओ ये क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन 34। पाई चार्ट केवल प्रदर्शित कर सकता है डेटा की दो श्रृंखलाएं। एक आपका सुपर कंप्यूटर बना है फ्रंटियर, बताओ ये कौन से देश ने बनाया है? फ्रंटियर, फ्रंटियर ये पूछा जा सकता है। फ्रंटियर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना भाई, ये कौन से देश ने बनाया। मल्टीपल डाटा नहीं है भाई, एक ये सीरीज ऑफ डाटा, डेटा की एक श्रृंखला, सीरीज ऑफ डाटा रहेगा यहाँ पर, डेटा की एक श्रृंखला। मल्टीपल सीरीज ऑफ डाटा तो बार ग्राफ के अंदर होता है आपका। बी आपका राइट हो जाएगा जब फ्रंटियर। फ्रंटियर जापान ने बनाया, बताओ भाई एक बार दोबारा से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी हलवा क्वेश्चन आपके सामने। एसएमटीपी सर्वर में एसएमटीपी का क्या अर्थ है? मैंने करवाया भी था। नहीं बिल्कुल सही जवाब विनोद ने बताया है, यूएस। तो आपका फ्रंटियर जो है यूएसए ने बनाया है, याद रख लेना इसका। इसका बिल्कुल राइट आंसर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। काफ़ी हलवा क्वेश्चन था ये तो। चलो भाई आज की कट ऑफ देखते हैं फिर क्या रहती है। कट ऑफ हमारी रहेगी 23 से 25। 17 क्वेश्चन ठीक हुए हैं प्रेम कुमार, कोई बात नहीं, और मेहनत करो अभी और एग्ज़ाम के अंदर। फुकुआकू ये जापान का है, लेकिन फ्रंटियर आपका यूएसए का रहेगा। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ आज 23 to 25। 20 तक भी स्कोर आपने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इंप्रूव कर लेंगे, अभी तो वक्त है AWTPO के एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, लेकिन HCM के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आएंगी। चलो भाई कंप्लीट होता है आज वाला क्विज, और मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। कल शाम को मिलते हैं भाई 7 बजे। ठीक है, क्योंकि कल है बिजी शेड्यूल।
आपके 20 प्लस आए हैं, 20 प्लस आपके आ गए होंगे अगर आपने एमटीएस के क्वेश्चन कर रखे होंगे तो, ठीक है। तो एमटीएस के क्वेश्चन लगाओ, मेरा तो यही मानना है 2022 के, ठीक है। एमटीएस के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर 2022 के अंदर। फिजिक्स कल डालेंगे भाई, कम्युनिकेशन सिस्टम कल आएगा आपका, थ्योरी और एमसीक्यूज़, ठीक है। तो TM दोनों चीज़ें आएंगी, थ्योरी MCQs आपको कल देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन सिस्टम का, इसलिए कल आपको लाइव टेस्ट कल शाम को होगा 7 बजे, कल सुबह नहीं होगा भाई। कल पहले वीडियो डालेंगे, AWT पे लेकर रहूँगा बिल्कुल, सिलेक्शन लो भाई, हम भी यही चाहते हैं। चलिए भाई, सभी को राम राम, जय महाकाल, जय शिव शंभू।